गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सर्किट थ्योरी का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था सोर्स, वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज एंड जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। आज हम उसके आगे सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्किट को सिंपलीफाई करने के लिए जब सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स लगे हुए हों और इस प्रकार के सर्किट को जब हमें सिंपलीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक का उपयोग करते हुए सोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब दोनों टाइप के सोर्स लगे हुए हों सर्किट में तो ऐसे सर्किट को सिंपलीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, सभी सोर्सों को एक टाइप के सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों लगे हुए हों तो हम यहाँ तो सभी को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ जो है सभी को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कब प्रयोग में करेंगे, ये टेक्निक जब लगाएंगे हम, जब सीरीज सर्किट को सिंप्लीफाई करना हो। ऐसे वक्त अगर हमारे पास करंट सोर्स लगे हुए हैं तो उनको सबको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि पैरेलल सर्किट को सिंपलीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको सबको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या है कि जब पैरेलल सर्किट होता है तो करंट सोर्स को सिंपलीफाई करना ईजी रहता है, और जब सीरीज सर्किट हो तो हम सभी को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उनको सिंपली जो है एलजेब्रिक सम कर सकें। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ये मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमेशा हमारे पास प्रैक्टिकल सोर्स ही होंगे, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो या तो हम उसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड है कन्वर्ट करने का। ये देखिए इस स्लाइड में कि एक वोल्टेज सोर्स है उसको हमें करंट सोर्स बनाना है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे शो करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स और उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम उसके बाहर निकाल के दे देते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना देंगे। इक्विवेलेंट करंट सोर्स सामने बनाया हुआ है, जहाँ करंट सोर्स की वैल्यू दी हुई है IS, और करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसको हमें सामने पैरेलल में लगा देते हैं और उसकी वैल्यू होगी RS। देखिए जब करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो करंट सोर्स में करंट की जो वैल्यू होगी किस प्रकार से निकालेंगे, IS की वैल्यू निकालेंगे VS अपॉन RS। जो वोल्टेज सोर्स में VS और RS गिवन है तो हम उन दोनों का रेशियो करेंगे VS अपॉन RS, ये हमारे पास IS की वैल्यू मिलेगी। और इसके जो समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस जोड़ रखा है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। RS की वैल्यू उतनी होगी जो वोल्टेज सोर्स के RS की वैल्यू है। इस प्रकार से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल देंगे। ये आगे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा। और अगर हमारे पास सर्किट में जो है करंट सोर्स है और पैरेलल सीरीज सर्किट को सिंपलीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। देखिए करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स यहाँ स्लाइड में देखिए ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, करंट सोर्स है उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बना लिया हमने। वोल्टेज सोर्स को हम शो करेंगे VS और उसके सीरीज में प्रतिरोध RS के द्वारा। तो यहाँ जो VS की वैल्यू निकालेंगे, वो VS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VS इजिकल टू होगा IS इंटू RS। जो करंट सोर्स गिवन है जिसका कि रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू पता है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो VS की वैल्यू हो जाएगी IS इंटू RS। और वोल्टेज सोर्स के जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना करंट सोर्स के पैरेलल में है, तो RS को एज इट इज अपन यहाँ लिख देंगे। देखिए नीचे एक एग्जांपल के द्वारा कि हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसमें सोर्स की करंट वैल्यू है 10 एम्पियर और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो 20 ओम है जो कि उसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर इसका हम वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो वोल्टेज सोर्स V हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, 10 इंटू 20 तो 200 वोल्ट हो गया, और RS की वैल्यू जो है ये 20 ओम है तो उसको 20 ओम को यहाँ ला के रख दिया। तो ये इस प्रकार से हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बनाना हो तो इसका विपरीत हो जाएगा,
मान लीजिए 200 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाएंगे। तो करंट सोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी बाई आर, 200 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 10 एम्पियर। और इसका जो प्रतिरोध है उसको हम 20 ओम को एज इट इज़ यहाँ पैरेलल में लगा देंगे। इस प्रकार से हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपने वोल्टेज सोर्स है आपके पास, जैसा ये देखिए पहले वाली स्लाइड में वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी गिवन है, तो अगर हम करंट सोर्स बना रहे हैं तो करंट सोर्स में जो करंट की डायरेक्शन दी जाएगी, सोर्स में जो करंट की डायरेक्शन दी जाएगी वो इस प्रकार से देंगे कि जो वोल्टेज सोर्स से जो धारा अगर निकलती, पोलैरिटी जो है हमको किस टर्मिनल पे पॉजिटिव मिल रही है, ऊपर वाले पे मिल रही है, तो धारा की दिशा ऊपर की तरफ रखेंगे जैसा इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर हमारे पास करंट सोर्स है जिसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो है ऊपर वाले टर्मिनल की तरफ आएगी, तो वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव इस प्रकार से रखेंगे कि ऊपर वाले सिरे पे पॉजिटिव पोलैरिटी मिले। मीन्स धारा, अगर सोर्स से धारा निकलेगी तो ऊपर वाले की तरफ आएगी, इट मीन्स जो वोल्टेज सोर्स है उसकी पोलैरिटी हम इस प्रकार से लगाएंगे, ऊपर प्लस और नीचे वाले सिरे पे माइनस। तो पोलैरिटी भी इस प्रकार से लगाएंगे और एम्पलीट्यूड इस प्रकार से याद करेंगे। इस तरीके से हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स, जो भी हमें आवश्यकता है नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो ये जो सोर्स कन्वर्जन टेक्निक है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से हमें 30 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। ये देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये 30 ओम में हमें धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास एक 50 वोल्ट का सोर्स है जिसके सीरीज में 20 ओम है, और ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया, जो सामने एक 20 ओम की जो ब्रांच है उसके पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये पैरेलल सर्किट हो गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेलल सर्किट सिंप्लीफाई करना तो हमें करंट सोर्स बनाना। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट और 20 ओम का, इसका हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाएंगे। तो ये देखिए करंट सोर्स बना दिया हमने, ये 50 वोल्ट 20 ओम इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना दिया हमने। I इज इक्वल टू हो गया V अपॉन R, 50 डिवाइडेड बाई 20 मीन्स 2.5। तो करंट की वैल्यू होगी, करंट सोर्स में करंट की वैल्यू होगी 2.5, और उसका प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना वोल्टेज सोर्स का ऑलरेडी गिवन है, तो 20 ओम। तो 20 ओम को हमने समांतर क्रम में लगा दिया। अब देखिए तीसरा काम करना, हमें डायरेक्शन दे रही है करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन देनी। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे देखिए आप, अगर वोल्टेज से सोर्स से जो करंट निकलेगी तो किस तरफ जाएगी, ऊपर वाले टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो हमें करंट सोर्स में भी करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से लगानी है कि करंट ऊपर के टर्मिनल की तरफ जाए, इट मीन्स जो करंट की दिशा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, जो इस डायग्राम में मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से वोल्टेज सोर्स से हम करंट सोर्स बना देंगे। अब ये करंट सोर्स बना दिया, इसको वापस लाके इस वोल्टेज सोर्स की जगह लगाएंगे नेटवर्क में, तो देखिए नेटवर्क इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये जो है वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स लगा दिया, तो नेटवर्क हमारे पास ये बन गई। अब इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है, देखिए 20 ओम और 20 ओम दो ब्रांचें हैं जो पैरेलल में लगी हुई है। अब तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो 20 ओम और 20 ओम जो पैरेलल में लगे हुए हैं समांतर क्रम में, उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, अगर दो ब्रांचें R1 एंड R2 की पैरेलल में लगी हुई हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया इसका, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 40, 10 ओम। तो ये जो नेटवर्क है इसका जो दोनों बीच में आर्म भुजाएं आ रही 20 ओम 20 ओम, इसका तुल्य हो गया 10 ओम। तो नेटवर्क बन गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है। ये नेटवर्क हो गया 2.5 एम्पीयर का सोर्स, और ये बीच वाली दोनों 20-20 को तुल्य कर दिया हमने, तो ये हो गया 10 ओम, ठीक है। तो नेटवर्क रिड्यूस होकर हमारे पास ये बन गई। अब यहाँ से अब देखिए हमारे पास एक करंट सोर्स है 2.5 एम्पीयर का, जिससे करंट निकल रही 2.5 पे। अब यह एक नोड बिंदु आ गया जहाँ से दो ब्रांचें जा रही है, एक 10 ओम वाली ब्रांच और दूसरी आ रही 10 प्लस 30, ये दोनों सीरीज में ना, 10 प्लस 30 वाली ब्रांच।
हमें निकालना 30 ओम में, मीन्स ये ऊपर आगे वाले ब्रांच में जिसका आगे ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 10 प्लस 30 40 ओम, तो 40 ओम वाली ब्रांच में धारा का मान निकालना है, है? और ये जो दो पाथ है हमारे पास, एक तो 10 ओम का और एक 40 ओम का, तो हम क्या करेंगे धारा डिवीजन का फॉर्मूला लगा लेंगे, करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे हम सीधा 30 ओम में धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला जैसा कि पहले मैंने शो किया था मेरे वीडियो लेक्चर में, देखिए धारा डिवीजन का फॉर्मूला होता है, अगर जिस ब्रांच में निकालना है तो उसके सामने जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई भुजा है उसका प्रतिरोध डिवाइड बाई दोनों भुजाओं का सम इनटू कुल धारा। तो हमें 30 वाली ओम में निकालना, मतलब 40 ओम में निकालना है, तो ये हो गया सामने मतलब 10 ओम डिवाइड बाई 10 प्लस 40 मीन्स 50 ओम, तो ये देखिए 10 डिवाइड बाई 50 ओम इनटू कुल धारा मीन्स 2.5, तो ये हो गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 50 ओम मीन्स आधा एम्पियर। तो जो 2.5 एम्पियर धारा सोर्स से निकल रही है उससे 30 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा जाएगी कितनी जाएगी 0.5 ओम, 1/2 एम्पियर, और 10 ओम वाली में जाएगी 2 एम्पियर। इस तरीके से हमारे इस न्यूमेरिकल में 30 ओम की जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान आ गया 0.5 एम्पियर। इस प्रकार से हमने सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स के द्वारा इस न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।